फिर भी हमारा काम है कि बाहर के लोग भी अगर आकर कोई यहाँ पर मुदाखलत करते हैं तो हम इनकी निशानदाही पुलिस को करवाए, और इंशाल्लाह कल हम सब लोग, हम जिम्मेदार महल्ले के लोग, हम पूरे नगर सेवक यहाँ पर जो तो रामनवमी के जुलूस में रहेंगे, और यहाँ के हमारे लोगों ने ये रामनवमी के जुलूस के अंदर जो लोग आ रहे हैं इनके लिए शरबत का भी इंतजाम किया है। ये हिंदू और मुसलमान ये चोली दामन का साथ है, ना हम यहाँ से जा सकते हैं ना कोई जा सकता है। अब हम को यहाँ पर हमेशा के लिए इस हिंदुस्तान में रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित भाई सब यहाँ पर जो तो अमन और शांति से रहेंगे, और कल के जुलूस को हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ना हम पुलिस डिपार्टमेंट को कोई शिकायत का मौका देंगे, ना मंदिर के ट्रस्ट को देंगे। हम खुद यहाँ से लेके जहाँ तक जुलूस जाएगा जाते वक्त भी और आते वक्त भी हम लोग साथ में रहेंगे, और पूरी पूरी जिम्मेदारी अपनी जो भी है इसको निभाएंगे। जैसे अभी भी अपने थोड़ा साहब जो अपने कमिश्नर साहब एडिशनल कमिश्नर, इन्होंने कहा कि ये त्यौहार जो है रमजान हो, ईद हो, या अपने शिव जयंती हो, या रामनवमी हो, ये किसी एक का नहीं है, ये तो हमारे हिंदुस्तान के त्यौहार है, और जब हिंदुस्तान के त्यौहार है तो ये हम सबके है, और हम सबके त्यौहार होने के नाते इस कल के रामनवमी को भी हम पूरी तरीके से निभाएंगे। उसी के लिए हमने पूरे शहर में बंदोबस्त लगाया है, माननीय एसपी साहब ने ज्यादा से ज्यादा हमें बंदोबस्त दिया है, डीसीपी साहब ने बंदोबस्त दिया है, एसीपी साहब ने बंदोबस्त दिया है, बाहर के कुछ एसआरपी के सेक्शन आए वाले है, तो ये साल कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए पुलिस का पूरा इंतजाम किया है। कल रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है, इसके लिए यहाँ के जिम्मेदारों ने एक मीटिंग बुलाई थी, और पीआई यहाँ के साहब ने और यहाँ के अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी, जो पीए थोरा साहब ने भी जो है तो मीटिंग बुलाई थी, और ये मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई। सब लोगों ने यहाँ पर वादा किया है, हमारे हाजी इसाक साहब और यहाँ के महल्ले के सारे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे, और जो अगले साल जो कुछ तकलीफ हुई थी इसके लिए हम शर्मिंदा है, और इंशाल्लाह अभी ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर कल के रामनवमी के जुलूस को हम कामयाब करने की कोशिश करेंगे, और ये धब्बा जो लगा है, ये गालमुट जो लगा है, इसको धोने की हम कोशिश करेंगे। ये अभी कई लोगों ने कहा इनके सामने, अपने थोरा साहब के सामने, पीआई साहब के सामने, और यहाँ ट्रस्टियों के सामने सबने कहा कि ये लोग यहाँ के नहीं थे। अभी साहब खा पटाने भी कहा कि ये लोग यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, ये बाहर के लोगों ने करे, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि बाहर के लोग भी अगर आकर कोई यहाँ पर मुदाखलत करते हैं तो हम इनकी निशानदाही पुलिस को करवाए, और इंशाल्लाह कल हम सब लोग, हम जिम्मेदार महल्ले के लोग, हम पूरे नगर सेवक यहाँ पर जो तो रामनवमी के जुलूस में रहेंगे, और यहाँ के हमारे लोगों ने ये रामनवमी के जुलूस के अंदर जो लोग आ रहे हैं इनके लिए शरबत का भी इंतजाम किया है महल्ले के नौजवानों ने, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ के जो ट्रस्टी है ये भी लोग हमको बहुत ताउन कर रहे हैं, और ये हमारा जो मोहल्ला किराड़पुरा 60 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आज तक कभी ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घड़ी और आगे भी नहीं घड़ेगी, इसका हम आपसे वादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि ये राम मंदिर है यहाँ पर 17 से 20 दुकानें हैं, ये पूरी दुकानें मुस्लिम लोगों को दी गई है, तो इससे बढ़कर मुस्लिम हिंदू भाईचारे का क्या सबूत आपको दें, हम कौन सा सबूत दें आपको कि यहाँ पर मंदिर के अंदर पूरे दुकानें जो है 20 दुकानें टोटल मुस्लिम की है, सिर्फ एक दुकान हमारे तेली समाज की है जो नारायण बच्चा जो हमारा उसकी है। ये एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान हम साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ बाहर के शरपंदर अनासिर लोगों ने यहाँ पर आकर ये घटना को घड़ी थी, वो घटना के लिए हम आज भी शर्मिंदा है, और उसको पूरा खत्म करने के लिए कल हम पूरे जोश के साथ सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर इस जुलूस रामनवमी के जुलूस को कामयाब करेंगे। और जो है तो हम आपसे मीडिया के जरिए भी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ये चोली दामन का साथ है, ना हम यहाँ से जा सकते हैं ना कोई जा सकता है। अब हम को यहाँ पर हमेशा के लिए इस हिंदुस्तान में रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित भाई सब यहाँ पर जो तो अमन और शांति से रहेंगे, और कल के जुलूस को हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ना हम पुलिस डिपार्टमेंट को कोई शिकायत का मौका देंगे, ना मंदिर के ट्रस्ट को देंगे। हम खुद यहाँ से लेके जहाँ तक जुलूस जाएगा जाते वक्त भी और आते वक्त भी हम लोग साथ में रहेंगे, और पूरी पूरी जिम्मेदारी अपनी जो भी है इसको निभाएंगे। जैसे अभी भी अपने थोरा साहब जो अपने कमिश्नर साहब एडिशनल कमिश्नर, इन्होंने कहा कि ये त्यौहार जो है रमजान हो, ईद हो, या
आपने शिव जयंती हो या रामनवमी हो, ये किसी एक का नहीं है, ये तो हमारे हिंदुस्तान के त्यौहार है। और जब हिंदुस्तान के त्यौहार है तो ये हम सबके है, और हम सबके द्वार होने के नाते इस कल के रामनवमी को भी हम पूरी तरीके से निभाएंगे। इतना कहकर आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नहीं, इनसे तो मैंने पीआई साहब को बता दिया कि जैसा आज जिस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई और यहाँ पर जो है, तो आप एक कारपोरेशन की बात तो वो तो हम उसको निपट लेंगे साफ सफाई का, लेकिन जैसा जो एनक्रोचमेंट है नाजायज, ये जो गाड़ियां खड़ी रहती है, अभी तो रमजान का महीना था साहब, तो लोगों ने नजरअंदाज करे, यहाँ से आगे जो है तो पीआई साहब ने वादा किए और कारपोरेशन के भी हमारे जोन ऑफिसर ने वादा किया कि आगे के लिए यहाँ से आगे ये पूरा ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और ये जो पहली घटना खड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम होने की वजह से ये घटना इतनी बढ़ गई थी, अन्यथा तो उसको जो जल्दी कंट्रोल भी हो सकता था वो, लेकिन ट्रैफिक जाम हुआ इसके हुआ। तो आइंदा कोशिश करेंगे कॉर्पोरेशन भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी, और मैं इनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये लोग जो है तो इस पे थोड़ा ध्यान दे। यहाँ आजाद चौक से लेकर राम मंदिर तक जो है, इनको बाजू रोड के बाजू फुटपाथ पे खड़ा करो, हमको कोई एतराज नहीं, हम किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहते, हम बिल्कुल वो अपना करो, लेकिन जो रोड के ऊपर खड़े होते हैं, अब सीमेंट रोड करोड़ों रुपये खर्च करके हमने आजाद चौक से लेकर तो राम रोशन गेट तक बनवाए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोड को वापरो, फुटपाथ पे रखो। तो ये वादा किया हमसे पीआई साहब ने भी और हमारे यहाँ के जोन ऑफिसर ने भी, तो इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश हम भी करेंगे। कल जो आपको गुरुग्राम में शरबत उसमें इंतजार साहब भी आने वाले हैं, कोशिश करेंगे। बात हुई अभी हमारे सदर साहब भी आए हुए हैं, हमारे असद नवीस साहब, तो उनकी गड़बड़ है, इसका आदमी चूंकि मुलाकात में हुई नहीं, शाम में हाजी साहब के पास में दावत है, वहां पर बात कर लेंगे, साहब से कर बुलाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी। कल दिनांक 17/4/2024 को रामनवमी है, तो ये रामनवमी के लिए बड़े त्योहार से होना चाहिए, उसी के लिए पुलिस की तरफ से ज्यादा बंदोबस्त लगाया गया है। एसआरपी सेक्शन, आरसीपी सेक्शन और पुलिटेशन के 100-150 लोग, ऐसा बड़े ज्यादा से ज्यादा हमने पुलिस फोर्स लगाया। जो पिछले बारी रामनवमी में जो दंगल राइट हुआ था, उसी की वजह से ये साल ज्यादा से ज्यादा बंदोबस्त दिया है। ये साल कोई कुछ नहीं होएगा, ये हिसाब से हमने पुलिस ने पूरी बंदोबस्त लगा के उसके कुछ होएगा, इसीलिए होना नहीं चाहते, इसीलिए हमने बंदोबस्त लगाया है। तो बंदोबस्त लगाने के मौजूद कोई अगर कुछ करता है तो जनता ने हमें तुरंत बताना चाहिए, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जो ये कल का आने वाला सन है, ये बड़े त्योहार से धूमधाम से आनंद से साजरा किया जाएगा, उसी को सबका सहकार्य अपने छत्रपति संभाजी जी नगर के पूरे सब लोगों ने यहाँ आना चाहिए, उसी को कि पिछले साल कुछ हुआ है बोल के डर नहीं रखना चाहिए, उसी के लिए हमने पूरे शहर में बंदोबस्त लगाया है। माननीय सीपी साहब ने ज्यादा से ज्यादा हमें बंदोबस्त दिया है, डीसीपी साहब ने बंदोबस्त दिया है, एसीपी साहब ने बंदोबस्त दिया है, बाहर के कुछ एसआरपी के सेक्शन आए वाले हैं, तो ये साल कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए पुलिस का पूरा इंतजाम किया है। स्थानीय जो रहवासी लोग है उन्हीं को हमने अभी बुला के उससे मीटिंग ली है, उनको पूरा समझाया है, और स्थानिक लोग यहाँ के वो पूरे मुस्लिम समाज भी हो, वो भी कल के रामनवमी में पूरे सहकार्य करने वाले हैं। उनके तरफ से इसके पहले भी शरबत का वाटप किया जाता है और कल भी वो खुद यहाँ अपने कल के त्योहार के लिए सहकार्य करने वाले हैं। तो सभी नागरिकों को कहना है कि बिल्कुल कल के लिए आप राम मंदिर में आ सकते हो, अभी को किसी को कोई घबरने की या डरने की कोई जरूरत नहीं, उतना पूरा शहर में माननीय सीपी साहब ने पूरा बंदोबस्त दिया है और हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो हिसाब से हम बंदोबस्त लगा के कल से आज से ही बंदोबस्त पे हम हाजिर हैं।